In today's class, we'll proceed with our next chapter. The name of the chapter is Some Applications of Trigonometry. This is chapter 9. This chapter is also called as height and distance. क्या कहा जाता है इसको? Height and distance. देखो, some application of application का मतलब use. हम trigonometry का use करके use करेंगे इस chapter. तो कुछ अगर basic चीजों की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि tan theta इक्वल टू क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड कॉस, तो आप क्या कहोगे? साइन थीटा बाय कॉस थीटा. या कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा बाय साइन थीटा. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट टेन और कॉट में क्या रिलेशन होता है? दैट टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाय कॉट थीटा. अपार्ट फ्रॉम दिस सेक थीटा इज इक्वल टू 1 by cos theta and cosec theta is equal to 1 by sin. ये क्लियर हो गया तक? ठीक है. अब एक जो न्यू कंसेप्ट आपको इस चैप्टर में समझना वो ये है आपका, देखो ये चैप्टर भी जैसे ट्रिगो पर बेस्ड है तो किस ट्राइंगल की हम बात करेंगे यहाँ पर? राइट ट्राइंगल. जैसे कि ये एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल इज ए बी. ध्यान से सुन, मान लो एक ऑब्जर्वर है जो किस पॉइंट पर खड़ा है? सी पॉइंट. सी पॉइंट से वो किस पॉइंट को देख रहा है? ए पॉइंट. सी पर खड़ा है और कहां देख रहा है? ए. तो कैन आई से दैट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड लेवल, विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड लेवल मान लेता हूं वो एंगल कितना होगा? थीटा. अब ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है या ऊपर से नीचे की तरफ? नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ देख. तो इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. इसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन. अब मान लो ऑब्जर्वर इस पॉइंट पर खड़ा है, देयर इज अनदर ऑब्जर्वर जो पॉइंट ए पर खड़ा है. पॉइंट ए से ये ऑब्जर्वर किस पॉइंट पर देख रहा है? सी पॉइंट पर. अब ये ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, एग्री करते हो? ठीक है. तो जब ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है तो हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं. क्या ड्रॉ करते हैं? इमेजिनरी लाइन. जो ग्राउंड लेवल जो बेस लाइन होती है उसके पैरेलल ये लाइन इस तरह से ड्रॉ की जाती है कि ये जो बेस लेवल ग्राउंड लेवल पे ये जो लाइन है कौन सी लाइन है? बीसी. और मान लो इमेजिनरी लाइन ये होगी आपकी एल ए. क्या होगी? एल ए. तो हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं कि इस तरह से कि वो जो बेस लेवल पर जो लाइन होती है यानी कि ये जो ग्राउंड लेवल की ये जो लाइन होती है वो इसके क्या होती है? अब ये ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, मान लेते हैं कि ये जो देख रहा है किस एंगल से देख रहा है? फाई. किससे देख रहा है? फाई. अब तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ये समझना है कि जब भी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को तो हमें कौन सा एंगल चाहिए होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन. अब ये जो एंगल ऊपर से नीचे की तरफ ये जो एंगल है इसको आप फाई कह रहे हो, इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन. मैंने आपको ये कहा कि हमेशा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो किस एंगल पर करेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन. अब यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो आपको सम हाउ इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना पड़ेगा. कैसे बनेगा? देखो, एल ए इज पैरेलल टू सी बी, ये क्लियर हो गया आपको. तो कैन आई से दैट ये जो फाई है से अगर ये पूरा एंगल एंगल वन है, कितना है? एंगल वन. और ये वाला एंगल टू है. तो क्या आप एग्री करते हो अगर एल ए सी बी के पैरेलल है तो एसी ट्रांसवर्सल होगी? यस और नो? एसी क्या होनी चाहिए फिर? ट्रांसवर्सल लाइन. एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस कैन आई से दैट एंगल टू जो है वो एंगल वन के इक्वल होगा? एंगल टू एंगल वन. तो एंगल टू एंगल वन यानी कि ये जो एंगल वन है आपका ये एंगल टू के इक्वल हो गया. तो यानी कि ये जो एंगल टू है आपका वो अब एंगल वन की जगह पर आ सकते. जैसे एंगल टू एंगल वन की पोजिशन पर आएगा तो वो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन. ये बात समझ में आ रही है? तो मेन पॉइंट जो है इस चैप्टर में बस ये दो पॉइंट है, फिर से रिपीट कर रहा हूं. जैसे कि ये एक राइट ट्राइंगल है, ऑब्जर्वर मान लेते हैं पॉइंट सी पर है. कहां पर है? सी पर. अब सी से वो ए की तरफ देख रहा है तो ये कौन सा एंगल होगा? एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन? इसको आप कहोगे एंगल ऑफ एलिवेशन. इसको आप क्या कहोगे? एंगल ऑफ एलिवेशन.
और मान लो एक ऑब्जर्वर जो है आपका वो पॉइंट ए पर है और पॉइंट ए से वो पॉइंट सी की तरफ देख रहा है, तो जब ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है तो उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और विद रिस्पेक्ट टू इमेजिनरी लाइन बनाया जाता है उस एंगल को, जो कि ग्राउंड लेवल है बेस लाइन के क्या होती है पैरेलल होती है। फिर हमारा काम क्या होता है कि ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसको किसके इक्वल करना, एंगल ऑफ एलिवेशन के, क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.1 इज, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.1 इज, आपको क्या कहा जा रहा है देखो, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग, आपको क्या कहा जा रहा है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग। अब इस क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है, दिस इज द फिगर, तो ये जो एसी है आपका बेसिकली ये क्या है रोप, और एज पर क्वेश्चन इसकी जो रोप की जो लेंथ है वो कितनी है 20 मीटर, लेंथ ऑफ द रोप इज 20 मीटर, विच इज टाइटली स्ट्रेस एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, का मतलब हो गया ए बी, ये जो ए बी है आपका दिस इज पोल, ए बी क्या है आपका पोल है, ठीक है, आपको कहा था इस रोप को इस वर्टिकल पोल के टॉप से टाइटली क्या किया हुआ स्ट्रेच किया हुआ। फिर आपको ये कहा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको इस पोल की हाइट फाइंड करनी है, तो लेट अस एज्यूम दैट हाइट ऑफ द पोल बी एच मीटर, हम हाइट ऑफ द पोल क्या ले लेते हैं एच मीटर ले। फिर आपको क्या कहा जा रहा है द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ये रोप है और ये क्या है आपका ग्राउंड लेवल, तो ये जो रोप है ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है 30 डिग्री, ये भी समझ में आ गया। अब ध्यान से देख, कैन आई से दैट इन दिस फिगर दिस इज द ट्रिग्नोमेट्री एंगल, और ट्रिग्नोमेट्री एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर, तो ये आपका हो गया P, राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है हाइपोटन्यूज, तो ये हो गया H, ये हो गया P। अब मुझे ये बताओ आपको जो इस ट्राइंगल में गिवन है वो कौन सी साइड गिवन है हाइपोटन्यूज, और जो आपको फाइंड करना वो क्या फाइंड करना P, तो P और H का कॉम्बिनेशन ट्रिग्नोमेट्री में किस फंक्शन का होता है साइन का, वेरी, तो आपको कैसे स्टार्ट करना है, लेट हाइट ऑफ द पोल, लेट हाइट ऑफ द पोल बी एच मीटर, हमने ये मान लिया कि जो हाइट ऑफ द पोल है वो क्या है एच मीटर, क्लियर है तक, ठीक है। नाउ इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, आपने ये कहा कि सर पी और एच का कॉम्बिनेशन तो साइन का होता है, एम आई राइट, ठीक है, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाय एच, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाय एच, इसका मतलब ये हुआ, और यहाँ पर थीटा क्या है 30 डिग्री, कि जो साइन 30 डिग्री है इट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू पी बाय एच, और यहाँ पर पी का मतलब क्या है ए बी और एच का मतलब क्या है ए सी, अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ए बी को आपने क्या लिया है एच, तो ये हो जाएगा एच, और ए सी क्या है आपका 20, कहना है इसे इधर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, और h की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/2 विच इज इक्वल टू 10, दैट इज हाइट ऑफ द पोल, दैट इज हाइट ऑफ द पोल बी h इज इक्वल टू 10 मीटर, इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचिज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, ओके, पहले इतना इतनी इंफॉर्मेशन पे हम फिगर बनाते हैं। देखो क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है जैसे कि एक ट्री है, तो मान लेते हैं ये ट्री है आपका, ठीक है, ड्यू टू स्टॉर्म जो पार्ट इसका ब्रेक हुआ है यानी कि टॉप से जो पार्ट इसका ब्रेक हुआ वो रेड, ये मैं रेड शेड में शो, रेड कलर वाला जो पार्ट है वो इसका टूट गया है, टूट के ये जो रेड वाला जो पार्ट है इसका ट्री का वो ऐसे गिर गया, ये बात समझ में आ रही है, ये इस तरह से गिर गया, ठीक है। फिर आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो पार्ट ब्रेक होके ग्राउंड लेवल को टच कर रहा है ये ग्राउंड लेवल के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, यानी कि ये जो टॉप वाला पार्ट है ये आपका ये
ये जो टॉप पॉइंट है ये आपका ये गिर के यहाँ आ गया है, और ये ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ, लेट दिस बी ए बी एंड सी, तो ये हो गया आपका राइट एंगल। अब आपको ये कहा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचिज द ग्राउंड इज 8। क्या कहा जा रहा है, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, तो ये तो हो गया फुट ऑफ द ट्री, एग्री करते हो। ये जो पॉइंट बी की पोजीशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फुट ऑफ ट्री, और पॉइंट सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉप ऑफ द ट्री, दिस इज द पॉइंट वेयर टॉप ऑफ द ट्री, पॉइंट वेयर टॉप ऑफ द ट्री टचिज द ग्राउंड, ये बात समझ में आ रही है। सी वो पॉइंट है जिस पर जो टॉप ऑफ द ट्री है वो ग्राउंड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 मीटर, तो ये आप ले लो 8। अब आपको फाइनली इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपको ट्री की हाइट फाइंड कर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो पहले तो आप ये देखो कि ट्री का हाइट फाइंड करने का मतलब ये कि आपको एक तो ए बी फाइंड करना है और ए सी फाइंड करना, क्योंकि टोटल हाइट तो यही होगी, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री एंगल है, तो उसके अपोजिट साइड क्या होगी, पी, राइट एंगल के अपोजिट साइड एच, तो ये हो गया पी। अगर मुझे एपी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एपी, मेरे पास जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, पी गिवन है और पी फाइंड करना है, तो पी और बी का मतलब टेन, पी और बी का मतलब टेन, तो आप लिखोगे इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, कैन आई से दैट 10 30 डिग्री विच इज इक्वल टू पी बाय बी, तो यहां पर बी क्या होगा, ए बी, और बी क्या होगा आपका ई सी, ए बी का मतलब हो गया पी और ये हो गया आपका बी, ये क्लियर हो गया। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और पी की वैल्यू क्या है आपकी, आपको फाइंड करना है, पी आपका यहाँ पर क्या है ए बी, तो आपने लिखा ए बी, पी आपका क्या है ए, कैन आई से दैट विच इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू 8/√3। अभी रैशनलाइज नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे, क्योंकि हमें ए बी तो फाइंड करना नहीं है, हमें ए सी को फाइंड करना है। अब देखो ए सी फाइंड करना है, तो पी और कौन सा कॉम्बिनेशन है आपके पास, पी और एच, पी और एच का मतलब कॉस, करेंगे। तब आपने लिखा इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री क्या होता है, cos होता है बी बाय एच, तो यहां पर बी क्या है आपका BC, तो आपने लिखा BC, और H क्या है आपका AC, तो आपने लिखा AC। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, BC की वैल्यू क्या है हमारी 8, और AC आपको 5, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा √3 AC इक्वल टू हो जाएगा 16। क्या आप एग्री करते हो, AC इक्वल टू 16/√3, Yes or no? ये आ गया 16/√3। अब आपको हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करनी है, नाउ हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री ये किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस ए सी, भाई जो पार्ट ब्रेक होके टूट गया था उसको भी तो इसमें काउंट करो, तभी तो टोटल हाइट मिलेगी आप। अब ए बी कितना है आपका, 8/√3 मीटर, तो यहां आपने लिखा 8/√3, और एसी कितना है, 16/√3 मीटर, एग्री करते हो, तो यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा, √3, और ये हो जाएगा 8 + 16, 8 + 16 हो गया 24/√3। अब अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ तो ये हो जाएगा √3 बाय सॉल्विंग दिस व्हाट वी विल हैव 24√3/3, 3 8 24, तो फाइनल आंसर क्या, 8√3 मीटर। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, देन फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5। तो आप इसको ऐसे समझो जैसे कि मान लो
से दिस इज द स्लाइड, दिस इज द स्लाइड विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड लेवल. अब देखो क्या कहा जा रहा है आपको, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड व्हिच टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5. तो ये जो टॉप है आपका, ये ए और बी, ये हाइट कितनी है 1.5, इसको मैंने ले लिया 1.5, 1.5, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है. और ये जो स्लाइड है इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड. तो ये स्लाइड ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है 30 डिग्री. इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter. Steep slide at a height of 3 meter. तो ये हम मान लेते हैं steep slide. ऐसे. तो ग्राउंड लेवल से जो इसकी हाइट है स्लाइड की वो कितनी है 3 मीटर. तो ये जो हाइट है पूरी वो कितनी होगी 3. ए बी सी हो गया, इसको आप डी ले लो और इसको आप ले लो. इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड. अब ये ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री. तो ये एंगल आपका 60 डिग्री. व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस. मान लेते हैं ये जो एसी वाली स्लाइड है ये आपकी एक्स मीटर, कितना है एक्स मीटर. और ये जो डी वाली स्लाइड है इसको हम ले लेते हैं वाई, इसको हम कितना ले लेते हैं वाई. तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी, क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको, जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी करनी है एक्स और वाई. तो देखो ये आपका डायग्राम, क्या डायग्राम क्लियर हो गया आपको, ठीक है. अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम राइट, ये भी राइट ट्रायंगल है और ये भी क्या है राइट. इन राइट ट्रायंगल हम लेंगे ए बी ई, ए बी सी, कौन सा ए बी. नाउ इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी. अब आप पहले तो ये देखो, अगर ये ट्रिग्नोमेट्री एंगल है आपका तो इसकी अपोजिट साइड ये क्या हो जाएगी पी. तो ए बी आपका क्या हो गया पी फॉर दिस ट्रायंगल. और राइट एंगल के अपोजिट साइड ये क्या हो गया आपका एच. और ये क्या हो गया फिर आपका. अब आपको जो गिवन है वो है आपको, आपको जो यहाँ पर गिवन है वो है पी और फाइन क्या करना है एच. तो पी और एच का मतलब साइन, पी और एच का मतलब साइन. तो आपने कहा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू दैट इज ए बी अपॉन ए सी. तो ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन ए सी. साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2. ए बी की वैल्यू क्या है आपकी, ए बी है आपका 1.5. तो आपने यहां पे लिखा 1.5. ए सी आपका एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स इंटू वन क्या हो जाएगा एक्स, 1.5 इंटू 3 हो जाएगा 2, हो जाएगा 30, यानी कि 3.0 मीटर. तो ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है. नाउ एक्स ट्राइंगल इज इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल डी बी, इन राइट ट्राइंगल डी बी. अब ध्यान से देख, अब जो आपका ट्रिग्नोमेट्री एंगल है वो क्या है आपका ये 60 डिग्री. तो अगेन 60 डिग्री के अपोजिट साइड ये क्या हो जाएगी आपकी पी, राइट एंगल के अपोजिट साइड ये क्या हो जाएगी आपकी एच. अगेन यहाँ पे आपका पी और एच का कॉम्बिनेशन है बिकॉज आपको पी की वैल्यू कितनी की बना है 3 मीटर और एच आपको फाइंड कर. कैन आई से दैट साइन 60, यहां पर क्या हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री इक्वल टू ये हो जाएगा आपका. देखो परपेंडिकुलर क्या है टी बी और हाइपोट्यूज क्या है टी ई. तो ये हो जाएगा टी बी अपॉन टी, टी बी अपॉन टी ई. साइन 60 की वैल्यू क्या होती है 2/3/2. टी बी क्वेश्चन में कितना गिवन है आपको 3, तो ये हो जाएगा आपका 3. वट अबाउट टी ई दैट इज 5. जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका √3y = 6. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/3.
जब आप इसको सॉल्व करोगे, रैशनलाइज करोगे, तो क्या हो जाएगा रूट थ्री बाय, कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 6√3/3, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, तो वाई आ जाएगा 2√3 मीटर। तो वन स्लाइड जो होगी आपकी उसकी वो उसकी लेंथ कितनी होगी 3 मीटर, और जो स्टीप स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी होगी 2√3 मीटर। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल से दिस इज द टावर, दिस इज द ग्राउंड लेवल, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज 90 डिग्री। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, लेट ए बी बी द टावर, लेट ए बी बी द टावर, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऑफ हाइट, हाइट को क्या ले लेते हैं एच मीटर। तो टावर की जो हाइट जो आपको फाइंड करनी है इसको हमने ले लिया एच, इतनी बात समझ में आ रही है? ये क्या हो गया एच। अब आपको कहा जा रहा है फ्रॉम ए पॉइंट विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर कौन सा पॉइंट है डी, ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन तो यही होगा, मैंने क्या कहा था एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड लेवल फिर जो एंगल बनता है इसको हम क्या कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री है, जो एज पर क्वेश्चन इसका डिस्टेंस इस पॉइंट का, जिस पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ इस पॉइंट का डिस्टेंस फुट ऑफ टावर से कितना गिवन है आपको 30 मीटर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? पहले मुझे बताओ कि आपको ये चीज समझ में आ गया कि ये जो 30 डिग्री है दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो 30 डिग्री है दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां पर समझ में आ गया? ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको एच फाइंड। अब देखो अगर ये देखो ये 30 डिग्री आपका ट्रिग्नोमेट्री एंगल है तो इसके अपोजिट साइड क्या होगी पी, तो ये आपका हो गया पी, और 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है एच, ये आपका हो गया एच, तो ये आपका क्या हो गया पी। तो क्या आप एग्री करते हो आपके पास जो कॉम्बिनेशन है वो है पी और पी का, पी आपको गिवन और पी आपको फाइंड करना है, तो यहां पर क्या अप्लाई करूं मैं टेन, तो आप क्या कहोगे ए राइट ट्राइंगल ए बी सी, कैन आई से दैट टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाय बी, पी का मतलब क्या हो गया ए बी और बी का मतलब क्या हो गया बी सी। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√, ये हो गया 1/√, ए बी कितना हो गया आपका एच और बी सी कितना हो गया आपका 30। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3H इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 30, तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी विच इम्प्लाइज H इज इक्वल टू 30/√3, इसको रैशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा √3/√3 विच इम्प्लाइज H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30√3/√3, से इसको सॉल्व करोगे ये कितना हो जाएगा 10, तो इट इज इक्वल टू 10√3 मीटर। Means what? It implies height of the tower. Height of tower is equal to h is equal to 10√3. Is it clear? ठीक है, next question is a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. Okay, फिर आपको क्या कहा जा रहा है, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो आप ऐसे समझो से दिस इज द ग्राउंड लेवल, दिस इज द ग्राउंड लेवल, ठीक है, एंड लेट अस अज्यूम दैट दिस इज द पॉइंट के विच इज द पोजिशन ऑफ काइट,
ये आपका देखो, ये आपका ग्राउंड लेवल क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ग्राउंड लेवल से काइट की जो हाइट है वो तो कितनी है, 60 मीटर। तो कैन आई से दैट ये जो हाइट है वो 60 मीटर है, ये जो हाइट है वो 60 मीटर है। फिर बात हो रही है काइट की स्ट्रिंग की, ये आपकी होगी काइट स्ट्रिंग ऑफ काइट, इसको मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं। और ये जो स्ट्रिंग ऑफ काइट है इसका ग्राउंड लेवल के साथ आपने इसको क्या किया है, इस स्ट्रिंग को आपने टाइट किया ग्राउंड के साथ, और ग्राउंड लेवल के साथ फिर जो इसका एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। मोटी मोटी बात आपको ये समझ में आ गया कि के क्या है, काइट, और ये ग्रीन जो लाइन आपको दिखाई दे रही है दैट इज स्ट्रिंग। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ, और इसकी अपोजिट साइड ये क्या हो जाएगी आपकी पी, और ये आपका राइट एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी आपकी एच, और ये आपका क्या हो जाएगा बेस। अब आपको क्या फाइंड करना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो आप एग्री करते हो कि आपको यहाँ पर पी गिवन है और एच फाइंड करना है, यस और नो? ठीक है, पी और एच का मतलब, तो इसको मैं अगर मैं लेता हूँ पी ले लेता हूँ से, ये पॉइंट हो गया आपका क्यू, कुछ भी ले रहा है ठीक है। मैंने लिखा इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल से क्यू पी के, क्या आप एग्री करते हो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री विल बी इक्वल टू व्हाट, पी बाय एच। साइन 60 डिग्री तो हो जाएगा √3/2, पी आपका क्या है के पी, और एच आपका क्या है क्यू के। तो जब ये वैल्यू पुट करोगे आप, विच इम्प्लाइज √3/2, के पी की जगह तो आ जाएगा 60, और क्यू के की जगह आपको फाइंड करना है, से इसको एक्स ले लेते, क्या ले लेते हैं एक्स, इसको क्या ले लेते हैं एक्स, तो इसकी जगह आ जाएगा एक्स। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 120, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 120/√3। इसको रैशलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा √3/3। क्या आप एग्री करते हो एक्स विल बी इक्वल टू 120√3/3, कैंसिल होके क्या आ जाएगा 40। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इसको आपने एक्स लिया था वो कितना आ जाएगा 40√3। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज फॉर टूडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्ले लिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।